जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 02150 दानापुर पुणे एक्सप्रेस कोविड विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय कुछ स्टेशनों पर बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन दानापुर और पुणे जंक्शन स्टेशन के बीच रोजाना चलती है। ट्रेन 18 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1754 किलोमीटर की दूरी लगभग 31 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको कैटरिंग यानी खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। कोविड स्पेशल ट्रेनों में आपको किसी भी प्रकार की कैटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 2 सेकंड AC, 6 थर्ड AC, 10 स्लीपर क्लास और 5 सेकंड सीटिंग कोच लगते हैं। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले दानापुर स्टेशन पर आकर रुक जाती है और रात्रि 10:55 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट आरा जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:25 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बक्सर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन मध्य रात्रि 12:32 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 2:40 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट मिर्जापुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:53 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट प्रयागराज शिवकी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:25 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट सतना जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8 बजे पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट मेहर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8:33 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट कटनी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:30 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट जबलपुर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:10 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट इटारसी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 2:55 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का ग्यारहवां हॉल्ट खंडवा जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:17 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट बुरहानपुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:08 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट भुसावल जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:05 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट मनमाड़ जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:30 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट कोपरगांव स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:34 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट बेलापुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन मध्य रात्रि 12:14 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट अहमदनगर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 1:20 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट दौंड जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:25 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 15 मिनट रुकती है। यहाँ पर ट्रेन का लोकोमोटिव बदला जाता है और यहाँ से ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है। इस ट्रेन का 19वां और आखिरी हॉल्ट पुणे जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:30 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।